मैं एक बार इन्हीं लोगों के बीच में जाता हूँ और बात करने की कोशिश करता हूँ कि क्या इन लोगों ने कभी सोचा था कि दिल्ली इतनी खूबसूरत लग सकती है, और क्या इनके मायनों में ये दिल्ली इतनी ही खूबसूरत है। यहाँ तमाम दिल्ली की जनता है जो बस में सफर करती है, रोजाना बस से अपने अपने गंतव्यों तक, डेस्टिनेशन तक जाती है, तो ये लोग जा रहे हैं। आपका नाम क्या है? मेरा नाम भारती पांडे है। आप दिल्ली से ही हैं? बिल्कुल, मैं दिल्ली से हूँ। आपने सोचा था कि दिल्ली इतनी खूबसूरत भी होगी, और कैसी लग रही है आजकल? कुछ आपको लग रहा है कि दिल्ली पहले से अलग है, कुछ चेंज है? बिल्कुल, देखिए G20 हो रहा है, हमारा बहुत सौभाग्य है देश के अंदर, और दिल्ली और भारतवर्ष इसको होस्ट कर रहा है, तो रियली अ प्राउड मोमेंट। जो इसका एजेंडा है, वन अर्थ वन फैमिली वन फ्यूचर, हम वही लेके आगे चल रहे हैं, और वी आर सो प्राउड कि दिल्ली इसको होस्ट कर रहा है और हम लोग इसको विटनेस कर रहे हैं एज अ यंग जनरेशन। एंड इतना सहयोग है सरकार का भी, ग्रीनरी हो रही है हर जगह पे, रिनोवेशंस हुए हैं, तो डेफिनेटली सी बात है कि हम लोग एक प्रोग्रेसिव स्टेट में है एंड वी शुड बी प्राउड एज एन इंडियन। तो देखिए, तो एक बात बताइए, अब हम लोग मंडपम की तरफ बढ़ रहे हैं। मंडपम एक ऐसी जगह, एक ऐसा भव्य एक सेटअप है जो इंटरनेशनल एरिनाज में हमें देखने को मिलता था, हिंदुस्तान में शायद ऐसा कुछ एरिना अब तक था नहीं। बिल्कुल, और अगर इसको देखा जाए तो ये बहुत मायनों में अपनी संस्कृति को बताने वाला भी है। इसकी जो खूबियां हैं, इसकी जो खासियत हैं, वो तो है ही। सिडनी के अंदर जो हॉल है उससे भी बड़ा, ओपेरा हॉल से भी बड़ा ये हॉल है, उससे भी ज़्यादा अत्याधुनिक यह हॉल है, लेकिन इसमें एक संस्कृति है। भगवान नटराज की जो मूर्ति बिल्कुल भारत मंडपम के बाहर लगाई गई, वो खुद में कई मैसेजेस देती है। ये प्राउड है, और ये अगर यूथ इतना खुश है तो इसका मतलब है कि मिशन सक्सेसफुल है। आप खुश हैं? दिल्ली सजी हुई है? जी बहुत सजी हुई है, पहली बार देख रहे हैं इतनी रौनक शौनक, इतनी सिक्योरिटी टाइट है दिल्ली में, जैसे कि ये चल रहा है अभी हमारे। आपको कॉमनवेल्थ याद है जब दिल्ली सजी थी, या ये पहली बार देख रहे हैं? जी मैं पहली बार देख रही हूँ। पहली बार देख रहे हैं, खुश है देखकर? बहुत बहुत खुश, बहुत प्राउड फील हो रही है ये देखकर। दिल्ली वाले तो प्राउड भी थे, आपके ऊपर जिम्मेदारी बड़ी है, सबको ये डर है कि आप लोग खराब तो नहीं कर देंगे, हम लोग दिल्ली वाले ये कि थोड़े दिन तो अच्छा लग रहा है, चमक रहा है, कोई खराब तो नहीं करेंगे कि? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। 10 तारीख को ये राष्ट्रीय अध्यक्ष रवाना होते हैं और उसके बाद फिर हम लोग फिर अपनी पुरानी आदतों पर वापस आ जाते हैं। इतनी साफ चमकती हुई दिल्ली को वैसे ही रखना है, तो ये प्लेज लेना है कि इसको खराब नहीं करना है। ये बताइए जरा, इस बिल्डिंग को देखकर, आप प्रगति मैदान हम लोग ट्रेड फेयर में आते थे, वहां का कियोस्क, शकुंतलम थिएटर, वो सब कुछ में पहुंचेंगी तो पता चलेगा कि भाई यहाँ पर क्या कुछ है। हमारे साथ लगातार तमाम स्टूडेंट्स भी यहाँ पर मौजूद हैं। आप लोगों ने पूरी दिल्ली का सफर न्यूज नेशन के साथ किया है, यहाँ पर फर्स्ट रिएक्शन? मंडपम जब देखा तो किसी को प्रगति मैदान याद है, पुराने वाला? बिल्कुल बिल्कुल याद, प्रगति मैदान बिल्कुल याद है। तो जरा उसके बाद किसी ने सोचा था कि प्रगति मैदान ऐसे मंडपम में बदल जाएगा? बिल्कुल किसी ने नहीं सोचा था, इतनी खूबसूरती से उसे निकाला जाएगा और बनाया जाएगा। अरे वाह, ये तो अच्छा डायलॉग आया है, प्रगति मैदान की प्रगति हो गई, प्रगति मैदान की प्रगति हो गई है। अच्छा, अभी तक आपने सब कुछ देखा, सबसे अच्छा क्या लगा? बहुत अच्छा लगा हम सबको जी, एकदम एकदम से दिल्ली चेंज हो गई, G20 चेंज हो गई है जी। दिल वालों की दिल्ली और खूबसूरत हो गई है, तो ये बात है। तो अभी तक आपने पूरी दिल्ली देखी, सुंदरता भी हमें देखने को मिल रही है, सुंदरता बहुत ज्यादा देखने को मिल रही है, जो पहले दिल्ली थी वो पता ही नहीं चल रहा है कि ये वाकई में दिल्ली है। अब लग रहा है कि दिल वालों की दिल्ली है, बिल्कुल। गाना है, चलिए भाई, यहाँ पर ये कह रहे हैं कि प्रगति मैदान दिल्ली के लिए गाना आ रहा है भाई, ये कुछ सुनाना चाहती है? दिल है ये दिल्ली है, दिल्ली है, दिल है ये देश का दिल्ली है, दिल्ली भारत का दिल और धड़कन है, दिल्ली देश की संस्कृति का दर्पण है, सर्वधर्म का संभाव है यहाँ, बहुधर्मी बहुभाषी समागम यहाँ। बहुत खूब भाई। तो जाहिर सी बात है, दिल्ली वाले और जिसे कहते हैं कि इंडियन, तो जरा जोश भरे गाने के साथ कौन सा पेट्रियोटिक सॉन्ग याद आ रहा है जिसके साथ क्लोजिंग करोगे? चक दे इंडिया, चक दे इंडिया, चक दे इंडिया, चक दे इंडिया। भारत माता की जय। देख लीजिए।
लीजिए कि ये G20 जो है